हेलो एवरीवन, आपको सोनम की ज़िंदगी में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ मिठाई। मैंने आज मेरी बेटी बोली है कि आप मम्मा मिठाई बनाओ गुलाब जामुन, तो मैं यहाँ पे गेट्स का गुलाब जामुन बना रही हूँ। आज हम सब डिनर बना रहे हैं। बहुत सवेरे ही अभी शाम हुआ, आई थिंक 5:30 हुआ है। मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्लस मिठाई भी बना दे रही हूँ। अलग अलग डिनर का फुल प्रिपरेशन कर लूँगी, आने के बना ही लूँगी क्योंकि आज मुझे जाना है मेला घूमने के लिए। इसलिए मैं आज खाना बना दे रही हूँ डिनर, क्योंकि थके होके आएंगे तो खाना बनाने का मन नहीं करता है। उधर मेरी मम्मी या मेरे देवर जी इधर से उधर कर रहे थे। यहाँ पर मैं इसे गूँथ लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं सबको मतलब कि राउंड राउंड करके यहाँ पे तल दे रही हूँ गुलाब जामुन को। तब तक मैं तल के इसे निकालूँगी। फटाफट करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट में हो गए थे। सब बनाते बनाते मुझे आई थिंक 7 बज गए थे। इधर मैं गुलाब जामुन को तल रही हूँ, उधर मैं चाशनी बना रही हूँ। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है अभी भी खा लूँ। बहुत ही अच्छा कलर आया था इसका मिठाई का। तो गाइस मेरी मिठाई बन के हो गई रेडी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी अपने बना दे रही हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इधर से करी तो गुलाब जामुन को इसमें मैंने ऐड कर दिया है चाशनी में। तब तक ये फूलेगी, तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी। और मेरी बेटी मांग रही थी मम्मा दो मिठाई, मुझे मिठाई खाना है। मैं यहाँ पर फटाफट सब्जी भी भूज लूँगी और इसे मुझे कुकर में ही ट्रांसफ़र करना है। जब भी मैं बनाती हूँ आलू बैंगन सब्ज़ी तो कुकर में ही बनाती हूँ। आप सब भी ट्राई कीजिएगा, कुकर वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे मैं तब तक मेरी सब्ज़ी भून जाएगी, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। आटा लगाने से इसे रख दूँगी आटा को, जब आएँगे घूम के तो उसके बाद ही रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आटा फुली फूल जाती है ना तो रोटी बहुत ही सुंदर सुंदर होती है। इस ब्लॉग में आप सब बने रहिएगा और देखिएगा मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ और क्या क्या की हूँ। आई थिंक आगे भी पता चलेगा मैं क्या क्या की हूँ मेला में। रेडी हो गई हूँ मेला जाने के लिए। से देख सकते हैं मैं ये वाला सूट बेयर की हूँ। और ये सूट कैसी लग रही है मुझ पर एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नीचे, सब लोग आ रहे हैं नीचे, मतलब कि अब जा रहे हैं हम, बच गए हैं घर में। चलिए आप सबको मेला घुमाती हूँ। चलते हैं नीचे, चलते हैं अब नीचे। नीचे आके पहुँच गए हैं।
और आप इस सबसे इस व्लॉग में आप सब इंजॉय कीजिएगा। बारिश हुई है ना, बहुत कच कच है। वाह, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है, मैं क्या से क्या बन गई हूँ। मेरा बाल पूरा बिखेर बिखर गई थी। सो यहाँ पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप थी। बहुत मैंने शूट किया है, देख सकते कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। वो यहाँ पे देख सकते हैं ये मकई का है ना जो चिप्स होता है ना, उन्हीं का प्रतिमा बना हुआ है कि तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और बहुत ही अच्छी लग रही थी। देख सकते हैं ये हाथ है जो यहाँ पे लिपस्टिक का है प्रतिमा बना हुआ है, ये भी बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अच्छा। मेला घूमने के बाद यहाँ पे आ गए थे ब्रेक डांस, देख सकते हैं कितना सब मतलब कि इंजॉय कर रहे थे। तो मैं सोची कि मैं भी जाके बैठ के देखती हूँ इसका कैसा मतलब कि, सो फिर मैं इस बार एक बार और बैठ चुकी थी। सबसे पहले मैं अपने मायके में बैठ चुकी थी, सो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी इसे बैठने के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मेरा लगा इसके मैं टिकट कटवाई सुबह 4 राउंड के बाद मेरा नंबर आया था 5th राउंड के बाद। सो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इसके, देख सकते हैं आप भाई बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पे बैठने के बाद पता चलता है क्या हालत हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा हालत ही ख़राब हो गई। तो सर है ना तो एकदम पूरा घूम रहा है पूरा, और गर्दन टेढ़ी हो गई मेरी, गर्दन हो गई थी, इंजॉय भी की। और सो और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, सो दो दो राउंड मारा था, ज़्यादा देर मारा नहीं, सो ठीक था मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा